पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जब झारखंड नहीं बना था, पर्वतीय क्षेत्र था, आदिवासियों की बड़ी आबादी थी, उस समय लालू जी को राजनीतिक ज्ञान नहीं हुआ था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और हमको तो 24 नवंबर 2005 को सरकार बनाए, 9 दिसंबर 2005 को ही हम लोगों ने इस मांग को मजबूती से उठाया और ये बाले बच्चे मांगे हैं। सब लोग भागे नहीं इधर उधर, कोई बयान की जरूरत इस पर नहीं है। अरे हम विशेष दर्जा मिले अथवा विशेष पैकेज मिले या विशेष सहायता मिले, हमने केंद्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास किया है। लोग तो उसको पढ़ते नहीं है, केवल अपने बारे में जानते हैं कितना जमीन लेना है। आपको मिला नहीं ना? मिला, आप संतुष्ट है कि आप नहीं मांगेंगे? आपको मिला किस चीज का विशेष वाली बात? अरे विशेष अगर हमको 26,000 करोड़ रुपए का अभी जो उपबंध हुआ, इसके अलावा और क्या क्या मिला है? देखेंगे तब ना नजरिया स्पष्ट करेंगे। अरे आज जो विशेष दर्जा में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता है विशेष दर्जे में। अरे हम विपक्ष का ये आरोप है कि विशेष दर्जे में आप टैक्स रिलैक्सेशन होगा, जीएसटी। अरे इंडस्ट्रियल इंसेंटिव आएगा नहीं आएगा, आने तो दीजिए बजट पूरा, उसके पहले ही ज्ञान दे रहे हैं। जो बजट में अभी तक का प्रावधान है उससे जनता दल ही खुश है। नहीं, अभी जो 26,000 करोड़ रुपया जो हमको मिला है, प्रथम दृष्टया में हमको लगता है कि ये सकून भरी खबर है, क्योंकि आपको तो एक्सप्रेस वे भी मिला है और अलग से ग्रामीण विकास विभाग को 2,66,000 करोड़ का बंद भी किया गया है। ये तो अच्छी खबर है ना भाई, बिहार जैसे राज्य में अगर हमारा राष्ट्रीय उच्च पथ में दूसरे राज्य विकसित राज्यों के मुकाबले में हम पीछे हैं, तो अगर इसके लिए हमको पैकेज के माध्यम से या दूसरे माध्यम से अगर हमको मिलता है, स्वीकृति मिलती है, तो ये तो बिहार के लिए अच्छी बात है। तो अब तो स्पेशल स्टेटस नहीं मांगिएगा? नहीं, स्पेशल स्टेटस हम बार बार बोल रहे हैं, स्पेशल स्टेटस नीति आयोग ने मापदंड में बदलाव कर दिया है। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने साफ कहा है कि ये मापदंड में बदलाव कर सकते हैं तो करिए, और नहीं तो हमको विशेष पैकेज दीजिए, और अगर विशेष पैकेज का पूरा ब्यौरा आने दीजिए। लेकिन वैसे लोग चिंता नहीं करें जो जेल में विशेष दर्जा की चिंता करते, उसी की चिंता करें। ये विशेष से लगाव तो मेरा है। तेजस्वी यादव कहाँ है? कहाँ है पता नहीं चल पा रहा है, आकाश में कि पाताल में, इसरो में वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं कि अंतरिक्ष में है, कहाँ है किसी को मालूम नहीं चल रहा है, देश में है परदेश में है। गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेता राजकोष का खजाने का वेतन ले रहे हैं, अगर वो लापता पाए जा रहे हैं तो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराइए और हमारी पुलिस 24 घंटे के अंदर में मुकम्मल रिपोर्ट प्रकाशित करेगी। हम किसे दर्ज कराएंगे भाई? हम दर्ज नहीं कराएं, विधायक दल के नेता, उन विधायक दल का बैठक नहीं हो रहा है वहाँ। इतना आतंक है कि मैं कल वीडियो फुटेज देख रहा था, वो 2-3 सीट पर कोई बैठिए ना, उधर जाइए नहीं रहा डर से, बताइए तो। अरे ऑथराइज करिएगा ना किसी को, इलाज कराने गए हैं राजद का, इलाज करा। क्या चीज का इलाज? जो तबीयत उनका खराब, तो रोग बताइएगा ना। अरे भाई आप लोक संपत्ति हैं, पब्लिक की संपत्ति हैं, व्यक्ति नहीं है नीरज कुमार। जी नहीं, ये कैसे कह दीजिएगा? तो टिकट देने का अधिकार है आपको, आप नीचे बैठते हैं ऊपर बैठते हैं, ऐसा बात करते हैं। अरे हम काहे के लिए कराएंगे? कराना तो उनको चाहिए ना, नेता उनके गायब हैं, हमारे ने। अरे भाई न साक्षात रूप से मिल रहे हैं, न ट्वीट के माध्यम से मिल रहे हैं। ट्वीट भी जब हमने काउंटर किया उसके बाद ट्वीट बंद हो गया उनका, जब उन्होंने अपराध की घटना पर ट्वीट कर रहा था, मैंने 6 फर्जी उनके ट्वीट पकड़ लिए कि जो घटना हुआ ही नहीं उसको लिख दिया, तब ट्वीट करना भी छोड़ दिया। गुमशुदा हैं, कहाँ हैं? मान लीजिए कि पॉलिटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने गए वो बता दीजिए, इसरो में गए हैं तो वो बता दीजिए, है नहीं खोजेगी? पुलिस का ड्यूटी है, बिहार का हर नागरिक का संज्ञान लेना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।